ऋतुचर्या कंसिस्ट ऑफ लाइफस्टाइल एंड आयुर्वेदिक डाइट रूटीन टू कोप विद द बॉडली एंड मेंटली इम्पैक्ट कॉज्ड बाय सीजनल चेंजेस एज रिकमेंडेड बाय आयुर्वेदा. ऋतुचर्या अनेबल्स अस टू बिल्ड आवर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल कैपेबिलिटी टू बेटर अलाइनमेंट्स दैट मे हैपन्स ड्यू टू सीजनल चेंजेस. ऑल्सो बैलेंसेज ऑल द थ्री दोषास इन आवर बॉडी. According to Ayurveda, this can be divided into two kals, each containing three seasons. Uttarayan, the cold months contain Sharad, Hemant and Shishir. Dakshinayan, the warm seasons contain Vasant, Grisham and Varsha. Each and every ritu has its own value and importance, which tells us how we should take our diet and follows our daily regime to keep us healthy and fit throughout the year. मैं डॉक्टर अतुल दत्ता, आयुर्वेद महोत्सव 2022, आहार विहार आयुर्वेद 2022. इसमें आज हम शरद ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु में जानकारी प्राप्त करेंगे. शरद ऋतु अर्थात सर्दी की ऋतु वर्षा ऋतु के बाद आने वाली ऋतु मानी जाती है, जिसका समय काल अक्टूबर से लेकर जनवरी तक माना जाता है. शरद ऋतु में आहार सुपाच्य होना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में हमारी सेहत हृष्ट पुष्ट रहती है, मतलब बलवान रहती है, हम तंदुरुस्त रहते हैं. इसमें हमें लघु आहार विहार का सेवन करना चाहिए. लघु आहार विहार में आहार में हम सबसे पहले हमें मूंग, घिया, रामातोरी, टिंडे, शलगम, गाजर, पालक, जौ, गेहूं इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए. फलों में सबसे पहले मौसमी संतरा, सेब, केला, नारियल पानी, नारियल, अंजीर, मुनक्का का सेवन करना चाहिए. जिसमें सर्द ऋतु में अर्थात सर्दी की ऋतु में घी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है. घी मतलब गोघृत. गोघृत हमारे शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है, पित्त शामक होता है, मानसिक और शारीरिक बल प्रदान करता है. विहार में सर्वप्रथम हमें अपने चिंता मुक्त रहना चाहिए, सैर मतलब वॉक करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए जिसे एक्सरसाइज बोलते हैं, अलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान अर्थात जिसको हम आजकल मेडिटेशन बोलते हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है, हमारा मन शांत रहता है, शरीर बलवान रहता है. इसका प्रयोग करना चाहिए. शरद ऋतु सबसे श्रेष्ठ ऋतु मानी जाती है, जिसमें रोग निवारण शक्ति मानी जाती है. शरद ऋतु में हम अपने मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक बल की वृद्धि कर सकते हैं. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग. हेमंत ऋतु. हेमंत ऋतु इज बेसिकली अ विंटर सीजन. इट स्टार्ट फ्रॉम 15 नवंबर टू 15 जैन. इन दिस सीजन द डाइजेस्टिव पावर इज स्ट्रांग, सो वन शुड हैव हैवी डाइट लाइक गुरुहार, मधुर आहार, ऑयली और स्निग्ध फिश, मीट ऑफ फैटेंड एनिमल्स, फ्रेश हार्वेस्टेड राइस, मिल्क प्रोडक्ट्स, ल्यूक वॉर्म वाटर, गुड पल्सिस लाइक उड़द. थैंक यू. शिशिर ऋतु इज अ विंटर सीजन फ्रॉम अराउंड जनवरी 15 टू मार्च 15. ड्यूरिंग दिस टाइम द डाइजेस्टिव एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन इज एट मैक्सिमम लेवल विद डाइजेस्टिव कैपेसिटी. That is why nutritious food with a high caloric value should be consumed. Ahar during Shishir Ritu will be same as for Hemant Ritu. Ahar with sweet, sour and salty taste are beneficial during this time. Food cooked in mustard oil, coconut oil and ghee are best. Intake of cereal, pulses, newly harvested rice and corn is recommended. Nutrition rich dates and dry fruits should be included in diet. Seasonal fruits should be a part of this diet, especially guava, which is a must to have a fruit for a healthy body. Thank you. In Basant Ritu, we have to consume food which is easy digestible. Use of mango juice with fragrant substances in food items like sati chawal, godhum, yav, mudag, kulat. In vegetables like parwal, bangan, karela, nimpatra. Use of food which is rich in pungent and bitter rasa in nature. In view of non-veg, we have to use meat which is roasted in fire. Use of madhu. We should use butter mixed with madhu or boiled with musta. Thank you. Grisham Ritu. Grisham Ritu ka jo samay hai, wo jeshth aur asad mas ka samay mana gaya hai.
इस ऋतु में बात दोष की वृद्धि रहती है और इस ऋतु में हमें जो है हल्का भोजन लेना चाहिए और भोजन में हमें जो है ठंडे पदार्थ जैसे दूध, दही, लस्सी, शरबत, नींबू पानी, नारियल पानी और फल के रसों का प्रयोग इसमें करना चाहिए और इस ऋतु में विशेषकर हमें जो है सत्तू का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सत्तू जो है शरीर में गर्मी को दूर करता है और ऊर्जा की कमी को पूर्ण करता है क्योंकि सत्तू को आयुर्वेद में औषधि के तौर पर माना गया है। इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे पोषक तत्व जो है विद्यमान रहते हैं, इसलिए हमें सत्तू का प्रयोग जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। कि वर्षा ऋतु में हमें कौन सा आहार अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। जो वर्षा ऋतु है उसमें हमारी जो पाचन अग्नि होती है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है, तो ऐसे में हमें उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाए। तो ऐसे में सबसे पहले ग्रेन्स की बात कर लेते हैं, तो जो पुराने जौ हैं, गेहूँ हैं, चावल है, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर सूप, देखिए सूप जो है चाहे वो मांस का सूप हो या फिर दाल का सूप हो, वो हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तीसरा है शहद, शहद का बहुत महत्व है, तो जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें हमें शहद मिलाना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है पानी, पानी को देखिए गर्म करके फिर उसे ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए, या किसी के घर के नज़दीक अगर कोई कुआं है तो कुएं का जल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पश्चात अरिष्ट और आसव हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और यदि कोई अल्कोहलिक है यानी कि कोई नित्य मदिरा का सेवन करता है तो ऐसी स्थिति में उसे थोड़ा अधिक पानी मिला के मदिरा का सेवन करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमें वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। धन्यवाद।